वेलकम बैक टू पिक्सेटिव, आई एम धवल कुमार। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है। इसके ऊपर मैं दो वीडियो बनाऊंगा, दोनों का कंटेंट अलग अलग होगा। आज के वीडियो में हम 2D फोटो फ्रेम को वॉल के साथ फिक्स करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स मेक इट। तो ये एक फोटो फ्रेम है मेरे पास, बहुत बढ़िया सा कोट है, इसमें स्माइल इज द बेस्ट आउटफिट, आई होप यू आर ऑल स्माइलिंग। तो हम इसको इस दीवार के साथ एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो टूल बड़ा ही मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिंपल, ये जो फ्रेम है इसे आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। सिंपल कंट्रोल दबाइए और थंबनेल पर क्लिक कीजिए, Ctrl+C+D, ये हमारा कॉपी हो गया। अब बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर एक और लेयर बनाइए। सिंपली क्लिक हियर और Ctrl+Alt+Shift+N। मैं चाहता हूँ ये जब हम दीवार पर फिक्स करें तो इसका अलग से लेयर हो, इसलिए मैंने न्यू लेयर लिया है। सिंपल वो न्यू लेयर सिलेक्ट करिए, गो टू द फिल्टर एंड वेनिशिंग पॉइंट। वेनिशिंग पॉइंट का शॉर्टकट है Alt+Ctrl+V। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपका बैकग्राउंड इमेज आपको देखेगा। क्रिएट प्लान टूल सिलेक्ट कीजिए, उसका शॉर्टकट है C, सिलेक्ट दिस, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस टेबल के साथ हमें अलाइन होके ग्रिड बनानी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर। मेक श्योर ये आपकी ग्रिड सही से ठीक से हो। जैसे ही आपको रेड दिखेगा ये मतलब सही एंगल में फिट नहीं हुई है, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमारी एडजस्ट हो गई। हमने जो फोटो फ्रेम कॉपी किया था, हम अब यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे। Ctrl+Command+V, Ctrl+T करें, फिर इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए एंड और इसे यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। सिंपल आप चाहे तो यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर हमने Ctrl+T पहले ही कर दिया था। जैसे एडजस्ट हो जाए सिंपल एंटर और रिटर्न एंड हिट ओके। लेकिन अभी भी हमें 2D जैसे फील आ रही है इस फ्रेम के साथ, तो हम इसे 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इसी लेयर को सिलेक्ट कीजिए, होल्ड द कंट्रोल एंड सिलेक्ट द थंबनेल। फ्रेम को थोड़ा सा बाहर निकालिए एंड हमारा फ्रेम वाला जो लेयर है इसके नीचे एक और लेयर बना दीजिए और सिंपली ब्लैक के साथ, मतलब हमारा फ्रेम ब्लैक है तो हम ब्लैक के साथ पेंट करेंगे, यहाँ पर हम ब्लैक पेंट कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, सिंपल इसे पेंट कर दीजिए। अभी भी यहाँ पर ये ठीक नहीं है, सिंपल कुछ नहीं करना है, पेन टूल और पॉलीगॉन लासो टूल सेलेक्ट कीजिए। सिंपल Ctrl+Alt+Backspace, यहाँ पर भी ऐसे करना है। पॉलीगॉन लासो टूल से क्या करना है, सिंपल प्रेस द L, इसका शॉर्टकट है L, क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए किया है, आप चाहे तो पेन टूल से भी कर सकते हैं। Alt+Backspace। अब ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। सिंपल इन फ्रेम और बैकग्राउंड में हमने जो फ्रेम की थिकनेस बढ़ाई उन दोनों लेयर को सिलेक्ट कीजिए, ग्रुप बना दीजिए। अब इमेज को ध्यान से देखिए कि किस तरफ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो हमारी इस इमेज में इस तरफ से लाइट आ रही है, यहाँ पर हाईलाइट है, यहाँ पर शेडो है, ये शेडो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब हमारे इस फ्रेम का जो शेडो है वो इस तरफ दिखेगा। राइट, एफएक्स लिखा हुआ है वो पैनल खोलिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन खोलिए और सिंपल जिस लेयर पर हम इफेक्ट डालना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए एंड
ड्रॉप शेडो। जब भी हम ड्रॉप शेडो के साथ काम करते हैं तो हमें एक से ज़्यादा ड्रॉप शेडोज डालने पड़ते रियल लुक के लिए। सिंपल, पहला ड्रॉप शेडो सिलेक्ट कीजिए, लाइट का एंगल चेंज कीजिए, मे बी दिस इज, ये परफेक्ट है, ठीक है। मेक श्योर प्रीव्यू आपका चेक हो ताकि आपको पता चलता रहे कि शेडो कैसा लग रहा है। दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर। अब दूसरे ड्रॉप्स शेडो के साथ काम करते हैं। इसकी ओपेसिटी ज़्यादा रखेगा ताकि हमें यहाँ पर दिखता रहे। सी राइट, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब शेडो का जो कलर है वो हमें थोड़ा, हमें ज़्यादा डार्क लग रहा है तो सिंपल क्लिक हियर एंड कलर पिकर से शेडो का कलर चूज करिए। सिंपल, हमें पहले वाले शेडो में जो शेडो कलर डाला है वही चाहिए तो सिंपल यहाँ पर से कोड, हैशटैग कोड कॉपी कर लीजिए एंड दूसरे वाले पे जाइए, पहले वाले शेडो पे जाइए एंड सिलेक्ट दिस लेयर एंड यहाँ पर आके वो पेस्ट कर दीजिए। लेकिन हमारा जो फ्रेम का कलर जो है अंदर का वो होल के साथ अभी भी मैच नहीं कर रहा है तो फ्रेम वाला लेयर सिलेक्ट कीजिए एंड इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई के साथ चेंज कर दीजिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, उसका ब्लेंड मोड में नॉर्मल कर देता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी तकरीबन में 40% इज गुड। सी अब देखिए, आप चाहे तो इमेज को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर सकते हैं। सिंपल गो टू कर्व्स, मेक अ कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर, बूस्ट कॉन्ट्रास्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए। सी दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर, राइट। सो ये था हमारा वेनिशिंग पॉइंट फिल्टर। वेनिशिंग पॉइंट फिल्टर के ऊपर एक और कंटेंट के साथ मैं अगली वीडियो डालूंगा। नीचे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए लेट्स मेक लाइफ कलरफुल विद सम फन, टेक केयर।